नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैंने एनसी बजाज, देखते हैं आज की 20 ताज़ा खबरें। ऑनलाइन गांजा तस्करी के आरोप में कंपनी पर FIR। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के कार्यकारी निदेशक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया। SP भिंड ने अमेजोन के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि की है। इसमें पहले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अमेजोन को चेतावनी दी थी कि जांच में सहयोग करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हाल की मंत्री की चेतावनी के बाद अमेजोन ने पुलिस को जांच में सहयोग का आश्वासन दिया था, लेकिन कंपनी ने पुलिस को जो जवाब दिया वह गिरफ्तार आरोपियों के बयान से काफ़ी अलग था, लिहाजा पुलिस ने अमेजोन के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। कृषि कानूनों की वापसी पर जल्दबाजी में है सरकार। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सरकार फास्ट मोड में है। सूत्रों के मुताबिक अब 24 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद में शीतकालीन सत्र में सरकार इसे पेश करेगी। गुरुपूर्व के मौके पर PM की कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद एक साल से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों में खुशी की लहर है। मालूम हो कि पिछले साल सरकार ने संसद में 3 कृषि बिलों को पारित करवाया है। जज पर हमला करने वाला SHO पलटा। मधुबनी के झांझापुर व्यवहार न्यायालय के ADJ प्रथम अविनाश कुमार पर जानलेवा हमला करने के आरोपी SHO ने महज 7 घंटों में ही अपना बयान बदल दिया। अब गोघर डीडा SHO गोपाल कृष्ण ने शुक्रवार रात 10 बजे कहा है कि हम लोगों की पिटाई जज न्यायालय के कर्मचारी आकाश मिश्रा और इंजीनियर दीपक राज ने ही की है। उनके इस बयान के बाद केस से 11 लोगों के नामों को हटा दिया गया। अब केस में सिर्फ 3 लोग के ही नाम है, जबकि उन्होंने दोपहर 3 बजे जज सहित 15 से 20 लोगों पर पीटने का आरोप लगाया था। नजरबंद शिविरों में उइगर मुसलमानों पर जुल्म ही जुल्म। पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेकेदार बनने वाले पाकिस्तान भले ही चीन की ही हुजूरी कर ले, मगर हकीकत यही है कि ड्रैगन उइगर मुसलमानों को देखने ही नहीं। चीन शिनजियांग प्रांत के नजरबंदी शिविर में उइगर मुसलमानों के साथ भयानक व्यवहार कर रहा है और उसे पर जुल्म ढा रहा है। चीन के खिलाफ ताजा और पुख्ता सबूत सामने आए हैं जो डर और उत्पीड़न को दर्शाता है। चीन में एक कार्यकर्ता ने खुफिया तरीके से नजरबंदी शिविरों में चीन की काली करतूतों का खुलासा किया है। शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर 2 बच्चों की मां ने प्रेमी पर कर दिया एसिड अटैक। शादी के प्रस्ताव को कथित रूप से ठुकराने के आरोप में एक व्यक्ति पर तेजाब फेंकने के आरोप पर एक 35 वर्षीय महिला जो कि 2 बच्चों की मां भी है को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा है कि तिरुवंतपुरम के अरुण कुमार का राज्य की राजधानी के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। शीबा नाम की इस महिला ने 16 नवंबर को अरुण कुमार के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, उससे उनकी आंखें की रोशनी जाने का खतरा है। भारत के बाद UAE को ड्रैगन का धोखा। ड्रैगन के चालबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। चीन UAE के खलीफा पोर्ट पर चुपचाप एक मिलिट्री बेस बना रहा है, इसमें अमेरिका ने रुकवा दिया है। चिंता की बात यह है कि इस पर UAE को भी जानकारी नहीं है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का दबाव बनाने के बाद UAE में चीन कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया। सीक्रेट मिलिट्री बेस की जानकारी अमेरिका खुफिया एजेंसी के सेटेलाइट से क्लिक की गई तस्वीरें से मिली है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 11 साल के हिंदू लड़के की यौन उत्पीड़न के बाद बेहरमी से हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक नाबालिग शुक्रवार शाम को लापता हो गया था। उसका शव शनिवार को खेरपुर मीर इलाके के बब्बर लोई कस्बे में एक सुनसान घर में मिला। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लड़के के परिजन राजकुमार के हवाले से बताया है कि पूरा परिवार गुरु नानक के जन्मदिन का कार्यक्रम में व्यस्त था। हमें नहीं पता कि बच्चा कैसे लापता हो गया। वह 11 बजे घर से मृत पाया गया। उन्होंने बताया कि नाबालिग 5वीं क्लास में पढ़ता था। घटना के बाद इलाके में लोग डरे हुए हैं। क्लब हाउस पर बनी फ्रेंड ने छात्रा का करवाया रेप। 17 साल की 12वीं की छात्रा पर उसकी सहेली ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रेप करा दिया। मामला जबलपुर का है। छात्रा की यह सहेली सोशल मीडिया के जरिए उसकी दोस्त बनी थी। उस सहेली और उसके बॉयफ्रेंड ने अपने आरोपी दोस्त से छात्रा की पहचान करवाई। शहर के एक रसूखदार के इस आरोपी बेटे ने छात्रा के घर पर ही पहली बार रेप किया और फिर फार्म हाउस रेस्टोरों और कैफे में उसके साथ यौन शोषण किया। इस सिलसिले करीब 2.5 महीने तक चला। अब पीड़िता ने अपनी मां के साथ विजयनगर थाना में मामला दर्ज कराया है। लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शन की आग में झुलसा यूरोप। यूरोप में कोविड की वापसी के बाद लागू किए जाए सख्त नियमों के विरोध पर प्रदर्शन हो रहे हैं।
शांति प्रिय देश नीदरलैंड्स के दंगाइयों ने रोटरडैम की सड़कों पर आग लगा दी है, जो और पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया। पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस हिंसा में 7 लोग जख्मी हुए हैं, इनमें 2 को गोली लगी है। दरअसल कोरोना के एपिक सेंटर बनने के बाद यूरोपीय देश लॉकडाउन, अनिवार्य टीकाकरण जैसे नियम लागू कर रहे हैं। टीका नहीं लेने वाले लोगों पर सख्ती की जा रही है। नकल का हाईटेक तरीका। पुणे और पिपरी चिंचवार शहर में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए शुक्रवार को लिखित परीक्षा हुई थी। इस एग्जाम के दौरान एक हाईटेक मुन्नाभाई यानी नक्चली को पुलिस ने एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले ही पकड़ लिया। यह मास्क के अंदर एक हेयरिंग डिवाइस लगाकर आया था। इस डिवाइस में एक बैटरी, एक कैमरा और एक सिम कार्ड सेट इंबिल्ट किया गया था। हालांकि वह फोटो लाने के बहाने वह से निकल गया। फिलहाल उसकी तलाश जारी है। फायरिंग में उजड़ी मांग, कैमरामैन की गई जान। तिलक में फायरिंग के दौरान एक मांग उजड़ गई। रोहतास में शुक्रवार देर रात हुए अर्श फायरिंग में एक कैमरामैन की मौत हो गई। घटना नोखा थाना अंतर्गत करतवा गांव की है। यहां एक तिलक उत्सव के दौरान हर्ष फायरिंग की जा रही थी। इस दौरान समारोह के वीडियो बना रहे कैमरामैन को गोली लग गई, इसमें उसकी मौत हो गई। मृत युवक की पहचान संजोरी थाना अंतर्गत अजय कुमार सिंह उर्फ गुलाबी सिंह के पुत्र रविकांत कुमार सिंह के रूप में की गई है। पत्नी बच्चों के नाम सुसाइड लेटर लिखकर दी जान। मैं पत्नी और दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरी याद आएगी, अगले जन्म मैं वापस मिलूंगा। अपने सुसाइड नोट पर यह लिखते हुए एक युवक ने फांसी लगा ली। ये घटना राजस्थान के सिरोही के शिवगंज तहसील की है। आत्महत्या करने वाला युवक 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने से परेशान था। उसने फाइनेंस कंपनी के संचालक पर ही परेशान करने का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम से मना कर दिया। गांव वालों के साथ अस्पताल और थाने के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने नामजद मामला दर्ज किया है। उन्नाव में ट्रेन से कटकर जवान की मौत। उन्नाव जिले में लखनऊ कानपुर रेल रूट के गंगाघाट रेलवे स्टेशन के पास सेना के एक जवान ने पटरी पर गर्दन रखकर जान दे दी। ट्रेन गुजरने ही जवान का सिर झड़ से अलग हो गया। सूचना पर पहुंची GRPF और उस RPF ने आधार कार्ड से जवान के शव को शिनाख्त की। जवान पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, महाराष्ट्र में उसकी तैनाती है। बता दें कि कानपुर रेलवे स्टेशन से सटे गंगाघाट रेलवे स्टेशन के अप लाइन पर आज सुबह सेना के एक जवान ने पटरी पर गर्दन रख दी। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस दौरान कानपुर में लखनऊ जा रही एक मालगाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। गाजियाबाद में वृद्ध की मौत के बाद डंपर में लगाई आग। गाजियाबाद में रविवार सुबह करीब 11 बजे मिट्टी लदे डंपर की टक्कर में एक वृद्ध की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने तोड़फोड़ के बाद डंपर में आग लगा दी। पुलिस ने करीब 2.5 घंटे बाद ग्रामीणों को समझाकर रास्ता खुलवाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। पुलिस के अनुसार घटनास्थल मुरादनगर थाना क्षेत्र में पाइपलाइन रोड पर ग्राम मथुरापुर के सामने का है। बुलंदशहर में कार में लगी आग, जिंदा जला ड्राइवर। बुलंदशहर के पहासूट शिकारपुर रोड पर शनिवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। पेड़ से टकराने के बाद एक कार आग का गोला बन गई। हादसे में ड्राइवर जिंदा जल गया, जबकि कार सवार 2 युवकों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस का कहना है कि टायर पंचर होने के बाद अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। कानपुर पत्नी को ब्लैकमेल करता था मसाला कारोबारी। कानपुर में मसाला कारोबारी सूर्यांश खरबंदा की पत्नी आंचल की मौत की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। पति ने पत्नी की अश्लील वीडियो बना लिया था, इसके बाद उसे वायरल करने की धमकी देने के साथ ही ब्लैकमेल कर रहा था। मारपीट, ब्लैकमेलिंग, 70 लाख रुपए दहेज समेत अन्य मामले होते होते मामला मौत तक पहुंच गया। वहीं शनिवार कानपुर क्राइम ब्रांच की सर्विलांस की मदद से मां बेटे को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में पुलिस चौकी के पास व्यापारी को मारी गोली। मेरठ में रविवार को पुलिस चौकी में महज 400 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। इसके बाद हवा में तमंचा लहराते हुए फरार हो गया। घटना के बाद व्यापारियों ने पूरा बाजार बंद कर रोड पर जाम लगा दिया। जानकारी पर पहुंचे पुलिस अफसरों को कानून का हवाले देकर कहा कि यह आपकी कानून व्यवस्था है। घायल व्यापारी की हालत नाजुक बताई जा रही। बीच शहर में बुढ़ाना गेट पर यह वारदात हुई। शामली मकान में घुसी रोडवेज बस। शामली जिले में दिल्ली यमुनात्री हाईवे पर ड्राइवर को दौरा पड़ने से रोडवेज बस अनियंत्रित होकर एक मकान में घुस गई। हादसे के दौरान बस में सवार करीब 30 यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को देकर घायलों को पास के नीचे अस्पताल में भर्ती कराया।
जहां से कुछ घायलों को पुलिस CHC ले गई। पुलिस ने क्रेन के द्वारा बस को घर से निकाल कर यातायात को सुचारू कराया। नेशनल प्लेयर ने हॉकी छोड़ रेडी था। राष्ट्रीय खेल हॉकी के नेशनल खिलाड़ी नेहा सिंह के पिता चंद सिंह मछली कॉर्नर चलाते थे। कुछ महीनों पहले ही बीमार पड़ गए तो परिवार के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी नेहा सिंह और उनकी छोटी बहन पर आ गई। परिवार की हालत इतने बदतर हो गई कि कॉलेज की पढ़ाई और खेल के करियर को बीच में ही छोड़कर नेहा हमीरपुर के बाजार में फास्ट फूड की रेहड़ी लगाने को मजबूर हो गई। बंटी और बबली 2। बॉलीवुड एक्ट्रेस सैफ अली खान ने हाल ही में फिल्म बंटी और बबली 2 में अभिषेक बच्चन की जगह ली है। अभिषेक की जगह लेने के बारे में एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान सैफ ने कहा है, जब तक इसके आसपास कोई कंट्रोवर्सी नहीं है तब तक मुझे सच में इसके कोई समस्या नहीं है। फिल्म को क्रिटिक्स के द्वारा नेगेटिव रिव्यू मिले हैं लेकिन फैंस ने पहले ही इसे निराशाजनक करार दिया। जब उन्हें पता चला है कि अभिषेक फिल्म का हिस्सा नहीं है। बबली 2005 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर शाद अली ने किया था। इसमें अभिषेक के साथ रानी मुखर्जी थी। ये थी अब तक की 20 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।